हमारे समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर जिससे परिवार का हर सदस्य खुलकर अपनी परेशानी शेयर करता है, और एक आदर्श डॉक्टर किसी परिवार के लिए बेहद भरोसेमंद सदस्य और विश्वास की डोर माना जाता है। इस पवित्र पेशे में अगर आरोप और प्रत्यारोप जब लगने लगे तो वहाँ पर विश्वास का खून होता है, जो समाज के लिए चिंता का विषय है। मुंबई से सटे शहर वसई विरार के नालासोपारा पूर्व से ऐसी एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक डॉक्टर पर एक नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पीड़िता के अनुसार डॉक्टर ने इलाज के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ की है। मामले में आरोपी डॉक्टर का नाम आरवी सिंह है, जो नालासोपारा पूर्व के तुलिंज रोड और संतोष भवन क्षेत्र में रहकर सालों से प्रैक्टिस करते हैं। घटना बीते 3 जून की है, जिसमें आरोप है कि इलाज और चेकअप के नाम पर डॉक्टर ने पीड़िता से छेड़छाड़ की है, जिसकी शिकायत नालासोपारा स्थित तुलिंज पुलिस स्टेशन में की गई। शिकायत के आधार पर की गई जांच में पुलिस ने मामला दर्ज करने की स्थिति पाई और डॉक्टर आरवी सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 2 दिनों की पुलिस की कस्टडी में भेज दिया गया है। इस मामले में डॉक्टर के परिजनों ने पीड़िता के परिवार पर मारपीट का आरोप लगाया है। मुझे भी अभी इस बारे में जानकारी अभी मिली है, उसमें कितनी सच्चाई है क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन देखिए वसई विरार क्षेत्र के अंदर हम आए दिन ये डॉक्टर के बारे में, बोगस डॉक्टर के बारे में सुनते हैं, ऐसी छेड़छाड़ करने के मामले आए दिन होते रहते हैं। ये डॉक्टर को यानी कि भगवान का रूप दिया जाता है, हम लोग भगवान मानते हैं डॉक्टर को, क्योंकि इसीलिए हम जाते हैं वहां पे, और यदि ऐसा कुछ कार्य अगर सही में हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन से मैं विनंती करता हूं कि इस प्रकार के अगर कार्य करता है कुछ करता है तो ये समाज को संसार करने वाली घटना मानी जाएगी इसको, इसलिए इसकी जांच की जाए, और यदि सही में ऐसा कुछ उसने किया है, यदि दोषी है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा कोई डॉक्टर न करे।